साहेब से सुनिएगा कि तुम्हारे गांव से, वाह हथियारपुर वालों हिफाजत करना, कि तुम्हारे गांव से जाने को जी नहीं करता, नौजवान दोस्तों की जानिब से दिल खराबादी का इस्तकबाल। मौसम बहुत सुहाना है तुम्हारे गांव का। अब हजरत आपकी फरमाइश के मुताबिक जो जो आपने हुक्म दिया है, चांद साहब और हाफिज हमसाद साहब करी मोहम्मद राशिद साहब समस्तीपुर से हमारे तमाम आए हुए दोस्तों के हवाले से वो मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समाचार। जी भाई रायत कीजिए, रायत कीजिए ज़हन नसीब। कि अभी नन्हा सा पौधा है, थोड़ा सा उधर से भी आवाज आ जाए तो मुझे एहसास हो कि मैं बख्तियारपुर पहाड़पुर में ये मतलब पढ़ रहा हूँ बतौर खास लहजा फरमाए। कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, का ये खूबसूरत सा मंच, दिल खैराबादी का ये शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए, हवा का रुख बदल देगा। मैं मुस्लिम हाय हाय हाय, मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू प्यार के, हम दोनों हैं प्यासे। चार दूसरे पेश करता हूँ जो पटना से आए तमाम दोस्तों का हुक्म है कि दिल खैराबादी, हम कॉलेज में पढ़ते हैं अक्सर ये कलाम हम पेश करते हैं और इनाम पाते हैं। पेश करता हूँ, ये बच्चे बैठे हैं, मुलाहिज़ा फरमाए। हमारी कौम का बच्चा हवा का रूप बदल देगा। नहीं, अब रूप बदलने के बाद देखिए। अच्छा, पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाह का देखिए, हमारी पलट कर दौड़ आएंगे। मुशायरा मीडिया मुंबई से आए हुए हमारे दोस्त मुजीब खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मसले से पहले एक मतलब फिर आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल इस मुशायरे का कर दे, बड़ा बड़ा करम होगा आपका। मुलाहिज़ा फरमाए कि हमारी फिरे, हमारी फिरे इमामत के पल
के बच्चे यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। ये बोला पंजों पर हो कर खड़ा मकतब का एक बच्चा, ये बोला पंजों पर हो कर खड़ा मकतब का एक बच्चा, सौ सद्दाम आएंगे मुसल्ला तुम बिठाओगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दो आएंगे। और एक मतला एक शेर माँ के हवाले से जो मेरा है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ, मेरे तमाम दोस्तों ने जो हुक्म दिया है पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए पेश करे कि माँ नहीं तो वाह माँ नहीं सुनिएगा कि माँ नहीं तो दिरहमों दीनार सब बेकार है, से काम नहीं चलेगा। ये तालियां पूरे सदन से आए तो और अच्छा लगेगा मुझे। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए कि मां नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, मां नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, आपकी खूबसूरत शायरी जज्बात और एहसास से गुजरते तो पूरी कमेटी इस्तकबाल कर रही है, बड़ी बात है। पहाड़ बेकार अदालत में रखता हूँ। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा की ये खूबसूरत सरजमीन पहाड़पुर में ये शेराबादी का शेर किस तरीके से सुना जाएगा पेश करता हूँ। जिसकी कदर भी हो सके जमशेद भाई हीरा भाई, जिसकी कदर भी हो सके बेपरदगी को रोकिए, पर्दगी को रोकिए, मां नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, जिस कदर भी हो सके पर्दगी को रोकिए, जिस कदर भी हो सके पर्दगी को रोकिए, आखिरी शेर आपकी अदालत में रखता हूँ, फिर उसके बाद इजाजत पेश करता हूँ। जमील साहिब भाई जी भाई पूरी निजामत का मकसद इसमें इस मिसरे में आना चाहिए। बेकार है कौन ढा सकता था मस्जिद में अगर होती नमाज, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। कौन ढा
सके ताता मस्जिद में अगर होती नमाज, कौन गा सके ताता मस्जिद में अगर होती नमाज, खुद सब बेकार।